एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन डीप मेकअप चैलेंज, जो कि होने वाले बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। अभी ये काफी ज्यादा ट्रेंड में है वन डीप मेकअप चैलेंज, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वन डीप मेकअप चैलेंज होता क्या है। जिन लोगों को पता है वो तो जानते ही, बट जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बोल देती हूँ। वन डीप का मतलब होता है जो भी मेकअप प्रोडक्ट मैं यूज करूंगी इस वीडियो में उसको मैं बस एक ही बार ले सकती हूँ, दोबारा नहीं ले सकती। ये होता है वन डीप मेकअप चैलेंज। ये मैंने पहली बार निक्की ट्यूटोरियल के चैनल पर देखा था, तो मुझे ये करने का बहुत मन किया। सो मैंने सोचा कि क्यों ना किया जाए। सो अभी मैं करने वाली हूँ वन डीप मेकअप चैलेंज। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू गाइस कैन सी, अभी हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे, बट पहले मैं आपको बता दूँ मैंने यहाँ पे वेयर किया है ये व्हाइट कलर की पफी स्लीव टॉप, जो मैंने मीशो से बाय किया है। ऑलरेडी इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन पर इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। एंड मैंने इस टॉप के साथ पेयर अप किया है दिस ब्यूटीफुल से शेल इयररिंग। सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप। तो मेरा यहाँ पे एकदम फेस बेयर फेस है, मैंने कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया है। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी मॉइस्चराइजर से। तो मेरे पास है यहाँ पे मामा अर्थ का मॉइस्चराइजर, ये मामा अर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर है, और मैं इसको लाइक वन डीप है तो मैं एक ही बार में जितना आएगा अमाउंट उसको ही पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। एक बार में इतना आया है, मुझे और ज़ोर से प्रेस करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसको अप्लाई करना होगा। इतना कम मॉइस्चराइजर, ओ माय गॉड, फोरहेड पे तो लगा ही नहीं। ऐसे वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है गाइस, क्योंकि ये मैं बातें करते करते यू नो मेकअप कर रही हूँ। या मॉइस्चराइजर इज डन, बहुत ही कम लगा यार, यहाँ पे तो मॉइस्चराइजर लगा ही नहीं मेरा। डोंट नो बेस कैसा बनेगा मेरा, क्योंकि मॉइस्चराइजर बहुत कम अमाउंट पर मैंने यूज़ किया है, मतलब आया नहीं एक डीप में। मॉइस्चराइजर मैंने यहाँ पे लगा लिया है, वैसे ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है, आप ट्राई करके देख सकते हो। एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग प्राइमर, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NY वे का प्राइमर। ये भी बहुत ही अच्छा प्राइमर है गाइस, हाइड्रेटिंग है एंड ऑल स्किन टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, एंड ये पोर्स को मिनिमाइज कर देता है, जो कि बहुत अच्छा एक बात है। तो आप डेफिनेटली एक बार ट्राई करके देख सकते हो। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है मेरा, तो मैंने यहाँ पे प्राइमर ले लिया है अच्छा खासा। मॉइस्चराइजर मैंने काफ़ी कम लिया था, तो प्राइमर मुझे यू नो ये अगर कम निकलता तो बहुत दिक्कत हो जाती यार। अभी मैं इसको छोड़ दूंगी एक मिनट तक, एक दो मिनट तक, देन हम फाउंडेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। पता है गाइस, मैं ना अभी बहुत गर्मी है एंड ये डे टाइम पे मैं नेचुरल लाइट पे शूट कर रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, बट फैन नहीं दे सकती। आपको आवाज़ आएगी तो आप लोग बोलने लग जाओगे कि आवाज़ है, नॉइज़ है, नॉइज़। सो मैं फ़ैन ऑफ करके कर रही हूँ। सो अभी हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मिनट हो चुका है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का फाउंडेशन, और इसमें जो मेरा शेड है 3.0, एंड इसका भी हमें एक पम्प ही लेना है। इतना सा आया एक पम्प में, आप देख सकते हो। तो ये बहुत कम अमाउंट में आया है, तो मैं डॉट डॉट करके लगाऊंगी इसे, नहीं तो एक ही बार में अगर लगा दूंगी तो फिर प्रोडक्ट एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम लग जाएंगे। तो मैं डॉट डॉट करके अपनी फिंगर टिप्स की मदद से इसको अप्लाई कर लूँगी, देन मैं इसको बिल्ड करूँगी थोड़ा थोड़ा। तो मैंने इतना ही लगाया है एक बारी में। ब्रश लाना तो मैं भूल ही गई, रुको मैं लेके आती हूँ। सो मैं लेके आ चुकी हूँ ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर, अभी मैं इसको ब्लेंड करूँगी। यू नो टेक योर टाइम और ब्लेंड प्रॉपरली, नहीं तो अगर आप ब्लेंड अच्छे से नहीं करोगे तो आपका बेस केक ही लग सकता है। सो यू नो मैंने कितना कम अमाउंट में यूज़ किया है, फिर भी देखो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है फाउंडेशन को, डैप डैप करके सिंपल तरीके से ब्लेंड करना है आपको लाइक दिस। एंड लुक एट माई फेस, कितनी अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। थोड़ा सा अभी बचा है तो मैं जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी ज़रूरत है वहाँ अप्लाई कर लूँगी। खत्म। वैसे ये वाला जो फाउंडेशन है बहुत अच्छा कवरेज है इसका पैक का, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये HD फाउंडेशन है एंड आप किसी भी पार्टीज में भी यूज कर सकते हो ये।
ओकेशन में वेयर कर सकते हो इस फाउंडेशन को आप, बहुत अच्छा है कवरेज। यू कैन सी मेरे एक भी ब्लेमिश सबको नज़र नहीं आ रहे होंगे और मैंने ओनली वन पम्प यूज़ किया है, तो आप यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली इसको। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैं सारे फाउंडेशन वगैरह की जो भी यू नो शेड्स है वो भी मेंशन कर दूंगी, इनकेस अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो आप परचेस कर सकते हो। ये वाला जो फाउंडेशन है मैंने नायका से परचेस किया है, आई गेस ये 800 के आसपास होगा इसका प्राइस। फाउंडेशन को मैंने अप्लाई कर लिया है बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कंसीलर, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सुइस ब्यूटी का कंसीलर, लाइक ये ऑलमोस्ट खत्म, मेरा फेवरेट कंसीलर है एंड इसको मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। एक डिप में जितना कंसीलर आएगा मैं उतना ही अप्लाई करूँगी, तो मैं बहुत कम अमाउंट में यूज़ करूँगी, ओनली इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर ऑफ द आईज, थोड़ा सा आई लिड पे क्योंकि वो एरिया थोड़ा डार्क है मेरा, एंड थोड़ा सा यू नो माउथ के अराउंड। That's it. इसको भी हम जल्दी से ब्लेंड कर लेंगे, नहीं तो ये क्रीज में सेट हो जाएगा। कंसीलर को आपको हमेशा थोड़ा सा ही अप्लाई करना होता है, इससे जो आपका जो लुक आता है ना वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है। लाइक पहले मैं नहीं समझती थी, तो ट्राइंगल करके इस एरिया में मैं कंसीलर लगा लेती थी एंड उसके बाद देखती थी कि कुछ ज़्यादा ही व्हाइट सा हो जाता था मेरा फेस। मेरा जो अपर लिप है वो काफ़ी बिग हो गया है एंड अभी तक मैंने इसको क्लीन नहीं किया है, क्योंकि मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए मैं एक ट्यूटोरियल शेयर करूंगी जिसमें यू नो मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बिग हो गए हैं, तो डेफिनेटली आपको यू नो एक दो दिन में मैं इसको क्लीन कर लूंगी एंड आपके साथ वो ट्यूटोरियल भी शेयर करूंगी। इसीलिए जो है वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो चुका है मेरे फेस पे। अभी हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट, आप लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट लेके बैठी हूँ तो मुझे और उठने का मन नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ स्टे क्वर्की का कॉम्पैक्ट और इसमें मिरर है तो मैं इसमें देख के ही अपना जो मेकअप है कर लेती हूँ। यू नो मैं इसको अच्छे से एक ही बार में डिप कर लूँगी इसमें एंड दिस टाइम ना मेरी फेस काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहा है, लाइक टी जोन एरिया तो मेरा बहुत ज़्यादा ऑयली है एंड रेस्ट ऑफ द फेस जो है मेरा वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्राई पैचेस भी हो रहे हैं दिस टाइम। आई डोंट नो, वैसे तो मेरा फेस बहुत ऑयली है बट इस एरिया एंड आइस के नीचे मेरा थोड़ा ज़्यादा यू नो ड्राई पैचेस पड़ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करूँगी, बहुत कम अमाउंट में यूज़ करूँगी। बहुत बुरा लग रहा है यार, मुझे इसको क्लीन करना ही पड़ेगा, अपर लिप आप देख सकते हो। डोंट नो, काश मुझे पहले पता होता तो मैं इसको डेफिनेटली यू नो रिमूव करके लेती, तो ठीक है। सो कंसीलर कॉम्पैक्ट एंड फाउंडेशन तो मैंने अप्लाई कर लिया है, तो अभी हम आई मेकअप करेंगे। तो आई मेकअप मैं बहुत ज़्यादा सिंपल करने वाली हूँ, फेस मेकअप तो मैंने कर लिया वन डिप से, बट आई डोंट नो कि आई मेकअप कैसा होगा। और मैं यूज़ करी हुई यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, ये पैलेट नंबर 06 है और इस पैलेट के बारे में मैंने ऑलरेडी स्वाचेस और रिव्यूज़ कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि हम वन डिप मेकअप चैलेंज कर रहे हैं और मैं हर एक आई शेडो को एक ही बार ले सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो आई डोंट नो कि आई लुक कैसा आएगा और मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, बट लेट्स ट्राई। पहले मैं अपना आईब्रो फिल कर लेती हूँ, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड, इस वाले शेड से मैं अपना आईब्रो फिल इन करूँगी, तो मैं एक ही बार ले सकती हूँ, ले लिया। तो या सो आईब्रो इज डन, अच्छे से नहीं हुआ बट कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है बट आई डोंट नो, बट मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक ही बार ले सकती थी। सो मज़ा आ रहा है करने में यार। तो अभी आई शेडो की बारी है, तो यू नो मैंने एक फ्लफी सा ब्रश ले लिया है एंड मैं आई मेकअप को बहुत ज़्यादा मिनिमल रखने वाली हूँ, तो पहले मैं ट्रांजिशन कलर के लिए ये वाला शेड यूज़ करूँगी, पहले वाला थोड़ा सा ऑरेंज कलर का, एंड मैं इसको अच्छे से डिप कर लूँगी। नो डस्ट ऑफ, डस्ट ऑफ नहीं करना हमें क्योंकि यू नो प्रोडक्ट इतना ही आया, मुझे दोनों आईज पे यूज़ करना है। यस, जो ट्रांजिशन कलर है वो मैंने अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस ब्राउन शेड, एंड इससे मैं एक स्मोक आउट इफेक्ट दे दूंगी अपनी आईज को।
मिरर्स चाहिए अभी। वाओ, पिगमेंटेशन अच्छी है, इस वजह से मैंने ये वाला पैलेट लिया है। यू कैन सी कि मैंने इतना सा लिया और कितना अच्छा पिगमेंटेशन है। एंड दोनों आईज पे मेरा खुलक गया है, बट फॉल आउट हो गया है, इसको मुझे क्लीन करना होगा अभी। मुझे बेकिंग कर लेनी चाहिए थी, है ना। तो अभी मैं यूज़ करूँगी कोल। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर की कोल, क्योंकि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड मैं एक ही बार स्वाइप कर सकती हूँ अपनी आईज पे। डन। बैठा ही नहीं यार। नेक्स्ट आई एम यूजिंग काजल, और मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ NYW की कोल काजल इन दी शेड ब्लैक। और मैंने लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई किया है वाइट काजल, तो मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ अपर वाटर लाइन पे। तो मैं एक ही बार इसको भी स्वाइप करूँगी। डन। मेरा ऑलमोस्ट मेकअप ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैंने आई मेकअप कर लिया है। अभी मैं यूज़ करी हूँ मस्कारा, एंड आई एम यूजिंग द ब्लू हेवन वक्फ फ्री मस्कारा और इन दी शेड ब्लैक। इसको मैं अच्छे से डिप कर लूंगी। ये मस्कारा मेरा खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हम ब्रॉन्जिंग करेंगे, और मैंने सेम स्विस ब्यूटी का पैलेट ले लिया है, दिस शेड। एक ही बार में मुझे दोनों साइड पे करना है। अभी इस वाले साइड का हो गया है, तो मैं मैंने दोनों साइड पे ब्रॉन्जिंग किया है एक ही बार को लेके। तो मैं नोज़ पे ब्रॉन्जिंग नहीं कर सकती, फोरहेड पे भी नहीं कर सकती, जॉलाइन को भी नहीं कर सकती। देन मैं यूज़ करूँगी मेरा फेवरेट पार्ट। आप सभी को पता है कि मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लश मैं बहुत ज़्यादा लगाऊंगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा डीप किया है अपनी ब्रश को, एंड क्योंकि मैंने ब्रॉन्जिंग जो है वो बहुत लाइट किया है, ताकि मेरा ब्लश फोकस हो। एंड मैंने आई मेकअप भी बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है। थोड़ा सा नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है एंड बहुत ज़्यादा एक सनकीस्ट सा लुक देता है। सो मैंने अप्लाई कर लिया है। अब बारी आती है हाईलाइटर की। तो मेरे पास है यहाँ पे फैन ब्रश, और मैं यूज़ करने जा रही हूँ मेबलिन का ये मोल्टन गोल्ड हाईलाइटर। इसको भी मैं एक ही बार ले सकती हूँ, तो मैं अच्छे से डिप कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आ गया है। वाओ, कितना अच्छा ग्लो है। ओह माय गॉड, थोड़ा सा फोरहेड पे भी अप्लाई करूंगी एंड थोड़ा सा ब्राउ बोन पे। वाओ, यू नो बहुत अच्छा हाईलाइटर है, बजट में अंडर 500 रुपीस में बहुत अच्छा हाईलाइटर है, आपको नायका पे मिल जाएंगे। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। एंड इसमें जो मेरा शेड है मोल्टन गोल्ड, इसमें और भी एक शेड आते हैं मोल्टन रोज गोल्ड, वो भी बहुत अच्छा है, बट ये स्पेशली इंडियन स्किन टोन पे जाएगा, लाइक मीडियम टू डार्क स्किन टोन पे। अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर हो तो आप पिंक मोल्टन रोज गोल्ड पे जा सकते हो, क्योंकि उसमें जो रिफ्लेक्ट है वो पिंक रिफ्लेक्ट होता है। फेयर स्किन टोन पे पिंक रिफ्लेक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एंड पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आई नो आई एम नॉट दैट मच फेयर, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है पिंक टोन्ड हाईलाइटर। एंड मेबलिन के सारे जो प्रोडक्ट्स है बहुत अच्छे हैं। अगर आपको मेबलिन का वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल देखना है, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बोलना, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। सो अभी बाकी है लास्ट लिपस्टिक की, तो मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी लास्ट। अपर लिप पे भी मुझे एक ही स्वाइप में अप्लाई करना होगा, और लोअर लिप पे भी मुझे एक ही स्वाइप में अप्लाई करना होगा। एंड मैं यूज करी हूँ यहाँ पे मेबलिन का क्रीमी मैट लिपस्टिक, और इसमें जो मेरा शेड है वो है न्यूड नुआंस 657। दिस इज माई फेवरेट शेड। बहुत ही प्यारा एक न्यूड कलर है, स्पेशली इंडियन स्किन टोन पे बहुत प्यारा लगेगा। एवरी डे के लिए यूज कर सकते हो। इसकी स्टेइंग पावर भी बहुत ज्यादा है, 3 to 4 hours तक इजिली स्टे कर जाता है। एंड ये वाला लिपस्टिक मेरे टॉप 5 न्यूड लिपस्टिक के लिस्ट में भी था। ये मुझे काफी पसंद है, बहुत टाइम से यूज करी हुई है, अभी तक मेरा ये फेवरेट है। तो आप सोच सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लिपस्टिक है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक जो मैंने क्रिएट किया है वन डीप मेकअप लेके। जितने मैंने प्रोडक्ट यूज किया है इस लुक को क्रिएट करने में, वो मैंने एक ही बार लिया है। एंड आप देख सकते हो ये है वो रिजल्ट। सो दिस इज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी।
सो गाइस, आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आते हैं तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू।